बाहर के अपने कुछ प्लांट्स को चेक करने दिखाते हैं आप लोग। एलोवेरा लगाया है मैंने, यहाँ लग रहा है तो सारे सदाबहार। ये अमरूद ना, अभी मैं सोचती हूँ, यहाँ बहुत सारी तुलसी भी लग रही है। वहाँ पीछे देखो पूरे में हमने तुलसी तुलसी लगा रखी है। मैं सोचती हूँ कि इनको पूरा साफ करूँ, सही से लगाऊँ, पर सोच के रह जाती हूँ शायद। देखो मेरे हमारे बाकी के प्लांट्स वगैरह, तो चलो अंदर चलते हैं, बहुत तकलीफ हो। अंदर चलते हैं, बहुत तगड़ी धूप है। सो एज द गर्मी इज ऑन हाई, इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है ना, मतलब यार सीरियसली, ऊपर से ना ये मास्क और लगाना पड़ता है, तो इतनी ज़्यादा ऐसा लगता है घुट गए क्या पूरे से, बस अभी ओवरहीटिंग हो जाएगी। बहुत ही तगड़ी तरीके से, बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी हो रही है। ऊपर से फिर आ रहा है इस वक्त जो मेरे बालों की लेंथ है ना, तो ये बड़े हैं ना तो छोटे हैं, मतलब ना तो ये इससे आप पूनी बना सकते हो, तो जिससे थोड़ा ये नेक पे ना टच हो, और ना ही इतने छोटे हैं कि नेक पे ना टच हो, तो बड़ी बीच वाली कंडीशन बड़ी ख़राब हो जाती है। क्या कहते हो, कटवा लूँ क्या? प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा कि अपने बाल कटवा लूँ क्या नहीं। अगर मेरे को कमेंट भर गए कि कटवा लो कटवा लो कटवा लो, भर तो और क्या ही जाएंगे, अगर कि ज़्यादा कमेंट आए कि कटवा लो तो फिर मैं कटवा सकती हूँ। आई विश विश मी लक गाइज कि ऐसा हो जाए। तो चलिए, हो चुका है टाइम। ईयरफोन, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि वहाँ मैंने ईयरफोन क्यों टांगे हैं, मेरे से हो चुका है एक बार धोखा। एक्चुअली मैंने अपने ईयरफोन अपने बेड पर रखे थे, फिर पता नहीं यार वो कहाँ चले गए, चले तो कहाँ गए होंगे, मैंने उन्हें कहीं ऐसा इतना कहीं रख दिया है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो मेरे को मिले थे। अब मैं क्या करती हूँ, ईयरफोन यूज़ करती हूँ, उसको निकाल फोल्ड करके यहाँ लगा देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, आऊँगी उसके बाद, अब मैं रात में ही ईयरफोन यूज़ करूँगी, तो रात में निकालूँगी, सुबह उठ के फिर यहाँ लगा दूँगी। अभी मेरे ईयरफोन के लिए स्पेशली एक कील लगाई गई है, नहीं कील तो एक्चुअली पहले से थी, ईयरफोन के लिए मैंने करा है ऐसा। और हाँ, आप लोग जैसे अब तक ओली से मिले हैं, तो क्या आप उसके छोटे भाई से भी मिल चुके हैं? नहीं मिले होंगे, चलिए मैं आपको आज मिलवाती हूँ। ये है ओली और ये उसका छोटा भाई पिंटू। हेलो एवरीवन, चाचा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारी फैमिली अब थोड़ा बढ़ गई है, पिंक कलर की ओली, ये है पिंक कलर की पिंटू, दीज टू आर बेस्ट फ्रेंड। तो चलते हैं, और पता है आज खाने में क्या बनाया, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इमेजिन तो कर सकते हैं, आज बहुत टेस्टी कुछ बनाया, टेस्टी आज बनाया मठे के आलू, लविंग इट। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबका हाल चाल, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ऋषि, मैं हूं सुजा सब बड़ा बड़ा। कैसा लगा आपको मेरा इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच, मुझे बताया आप लोगों को पसंद आया होगा। और कैसे हैं आप सब लोग, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहिए अपना हालचाल, जैसे कि मैं आप सबको अपने ब्लॉग के साथ बताती रहती हूँ, आप सबको बताती रहती हूँ। और हमारे घर आया है कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान, वो कौन है आखिर, वो है कौन? चलिए मैं आपको मिलूँगी, पहले मैं उस इंसान के लिए जा रही हूँ चाय बनाने, और मुझे अपनी पानी की बोतल देख गई तो ज़रा पानी पी लूँ। तो चलिए चल के चाय बनाते हैं। कौन क्या है आपको मैं पिछले ब्लॉग में बताई चुकी, एक्चुअली बाबा आए हैं, तो शाम की चाय बनाते हैं, बहुत टेस्टी से खाते हैं पापे। चलिए चल के मैं आपको चाय बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे चाय बनानी आती है, चाय ही जो मुझे बनानी आती है, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको चाय बनाना सिखाऊंगी, चलिए मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है एक फ्राइंग पैन, जिसमें डालना है अंदाजे से पानी, उसके बाद देना है आपको अदरक, उसके बाद आपको इसमें कूटना है अदरक, अदरक को जिस प्रकार कूटना है जैसे आपको किसी प्रकार की गुस्सा, तो सारी गुस्सा निकाल दो इसी पर, ठीक है। तो कहाँ तक चाय बन गई थी, हाँ, उसके बाद अब आपको डालना होगा अपनी चाय में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दूध, ठीक है। आप जब टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें दूध डालेंगे तो आपकी दीदी यार नेक तो पी लोगी है। एक्चुअली और हाँ, ये ध्यान रखें, अगर आपकी बहन के आपके साथ चाय पिएगी फिर वो ना पिए तो उसको जबरदस्ती पिला दें, नहीं मतलब उनको पसंद है इसलिए थोड़ी सी पिला दें। हाँ, फिर आपकी चाय बन के रेडी हो चुकी है, उसके बाद आप लगा लें अपना फेवरेट नाश्ता, नाश्ते में आप लगा लें मछलियाँ और बिस्किट्स और कुछ और भी अपने फेवरेट पापे, ठीक है। उसके बाद जब आपकी चाय रेडी हो जाए तो उसको
करके पिए। और हाँ, ध्यान रखें, अगर आपको चाय बहुत पसंद है तो हमेशा इस तरीके की ग्लास में पिए, कभी कप में चाय ना पिए, इसमें पिए हमेशा, ध्यान रखें। चाय उबल रही है, उबल रही है। अब इसका सबसे लास्ट प्रोसीजर सबसे लास्ट स्टेप है चाय का, ये कि बस आपको उसके उबलने का इंतजार करना है। पॉकेट में हाथ डालें, हमेशा पॉकेट वाले कपड़े पहने, पॉकेट में हाथ डालें, उसमें हाथ डाल के खड़े हो जाएं, इंतजार करें कि आपकी चाय कब तक उबलेगी, फिर आप उसे करके पिए। चाय कैसे पीनी है?